नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कोरोना काल के बीच गुजरात हाई कोर्ट ने स्कूल फीस के मुद्दे पर अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल खोलने तक प्रशासन फीस की मांग नहीं कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के स्ववित्त पोषित स्कूलों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 की वजह से वे जब तक बंद है तब तक छात्रों से ट्यूशन फीस ना ले। सरकार ने स्कूलों को 2020 से 21 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने का भी निर्देश दिया। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 16 जुलाई को जारी अधिसूचना बुधवार को सार्वजनिक हुई। इसमें कहा गया कि कोई भी स्कूल फीस जमा ना होने पर इस अवधि में पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन होगा। सरकार ने अधिसूचना में कहा कि इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के अनुसार 30 जून तक फीस जमा ना करने वाले किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं किया जाएगा। गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते हैं। वही अगर स्कूल की ओर से फीस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लास देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।